ये दिख रहा है आप लोगों को, जेसीबी आगे से खींच रहा है ना, ट्रक पूरा अंदर जा चुका है। तब तक जीजू मोड़ रहे है इसुजू अपनी, वो देखो टायर स्पिन हो रहा है। वाह यार भाई उठा रहे पोल, देखो पोल गिर गया उस साइड से ना, तारे बिल्कुल डाउन आ गई है और जेसीबी से उठा रहे ऊपर को। यार जेसीबी ने आगे से लगा दिया टोचन, पहले शायद से ये लोग ये वाला स्ट्रैप यूज कर रहे थे। यार जीजू पता है 10 मिनट के बाद आए ऊपर से गाड़ी मोड़ के। यार अभी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया आज स्पेशल कुछ बन रहा है बाड़ी ना, मम्मी बताएगी आपको कि मम्मी ये क्या बना रही है, क्या ग्रिफ के ट्रक आ गया। यार इनकी पता नहीं इतनी बुरी हालत क्यों होती है यार, जितने भी ग्रिफ के ट्रक्स होते हैं ना, वो देखो पीछे वाले को भी देखो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आज की शाम की शुरुआत हो चुकी है, टाइम अभी हो चुका है अराउंड 3:30 और अभी तक घर पे बैठा हुआ था मैं ना। और एक और चीज़ आपको विशु से मिलाना भूल गया मैं, ये भी आ गया है। हेलो। तो इसको तो 2 दिन हो गए, पिछले कल आया था, पिछले कल सुबह। तो अभी के सीन्स ये है कि घर पे बैठा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या कंटेंट बनाना है, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से हम नेहरगुंड को बर्गर खाने के लिए। तो आगे के जो भी सीन्स है आगे जाके दिखाता हूँ आपको, और आज के शाम की शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। यार अभी ना इसुजू में जा रहे हैं हम जीजू वीआर में। तो गाइस बर्गर अपना आ चुका है यहाँ पे, बर्गर के साथ ना गर्मा गर्म चाय, और सामने आप व्यू देख सकते हो, वो देखो। यार बर्गर वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, ठीक है, और टेस्ट एज यूजुअल वही था। अशोक भाई नहीं थे आज ना, लड़का जो होता है वहाँ पे वही था, अशोक भाई पता है और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो अभी बर्गर वगैरह खा के यहाँ से थोड़ी सी गेड़ी मारने के लिए निकल गए हम लोग आगे को सुलांग की तरफ को। तो व्यू आप लोग इन्जॉय कीजिए, व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। मनाली में ना कोविड की वजह से क्राउड बिल्कुल ही खत्म हो गया, पता है हम लोग कैसे चेक करने के लिए आए कि कितना क्राउड है इस साइड। और ये सुलांग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग। अब जैसे जैसे हम सुलांग पहुंचने वाले हैं ना, वैसे वैसे करके आपको क्राउड दिख रहा होगा, ट्रैफिक भी लगना स्टार्ट हो गया और क्राउड भी बढ़ गया है। प्लान तो वैसे हमारा था कि हम लोग ऊपर को जाएंगे सुलांग तक ना, बट आप देख सकते हो साइड में सबने गाड़ियां पार्क करके रखी ना, उस वजह से ट्रैफिक लग रहा है। डबल माइंड हो रहा है हम लोग ऊपर जाएं कि नहीं जाएं। यार इवन गाड़ी मोड़ने को भी जगह नहीं है, ऊपर से गाड़ी है इसुजू इतनी लंबी। ऊपर ना ट्रैफिक काफी ज्यादा लगा हुआ था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया ऊपर जाके फायदा नहीं है, बेटर है कि नीचे ही चलते हैं यहाँ से। यार ऊपर से तो नीचे आ गए हम लोग ना, और अब हम निकल गए गुलाबा की तरफ को, आगे जाके देखते हैं रोड कहाँ तक खुला है। वैसे तो शायद से ना कोठी तक खुला था। ग्रिफ के ट्रक आ गया। यार इनकी पता नहीं इतनी बुरी हालत क्यों होती है यार, जितने भी ग्रिफ के ट्रक्स होते हैं ना, वो देखो पीछे वाले को भी देखो आप, और सब जगह से ठुके हुए होते हैं। वैसे प्लान नहीं था कुछ ना, बर्गर खाने का ही प्लान था, उसके बाद बना कि चलो ऊपर तक घूम के आते हैं। और जूते देखो आप नीचे, ये वाले शूज लगा के आ गए। हमेशा का रूल गाड़ी में जब बैठ रहे हो ना, जूते बिल्कुल झाड़ के बैठो, गाड़ी को गंदा क्यों करना है। चलिए जी अभी चले हुए थे मागे ना, वो देखो पोल गिर गया है। और जेसीबी, जेसीबी नहीं है क्या ये? जेसीबी टाइप ही है ना, उठा रहा है यार। एक बार ना मेरा ये चलाने का मन है, किसी दिन चलाएंगे जरूर। यार भाई उठा रहे पोल, देखो पोल गिर गया उस साइड से ना, तारे बिल्कुल डाउन आ गई है और जेसीबी से उठा रहे ऊपर को। नहीं और टायर देखो कैसे खड़ा हो गया, वहाँ देखो 3 टायर पे एक टायर खड़ा हो गया। भैया आपने 3 पे तो दिखाई, अब 2 पहियों पे खड़ी करके दिखाओ। भाई ने अभी हमको बोला कि लेफ्ट से निकल जाओ आप लोग, पोल तो उठाया नहीं ना, बट हम लोगों को आगे निकलने को दे दिया है। यार अभी मैं उतर गया था आगे रास्ता देखने के लिए ना, और जीजू ला रहे गाड़ी नीचे से। जब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं ना, तो मैंने कहा एक एक कप चाय भी लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे वापस घर की ओर। यहाँ पे आगे बैरियर है ना, इसके बाद रास्ता खुला नहीं है, रास्ता सिर्फ यहीं तक है। और गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दी रोड में अभी, और व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऊपर ऊपर बर्फ लगी हुई है, और इस साइड को ऊपर है रोहतांग। जब तक हम लोग चाय पी रहे हैं ना, तब तक जीजू मोड़ रहे है इसुजू अपनी, वो देखो टायर स्पिन हो रहा है। वाह ये तो बेइज्जती हो रही है गाड़ी की। नहीं नहीं अच्छा 4x4 नहीं लगाया था, अब लगाया। मैं बोल रहा हूँ इसुजू की बेइज्जती हो रही है। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली, अब यहाँ से निकलेंगे हम घर की तरफ, कज ना ठंड भी काफी ज्यादा हो गई, और मेरे को इसके बाद गरम सेक देना पड़ेगा शोल्डर में। अभी ना हम लोग नेहरगुंड पहुंचे हुए थे, और सडनली मेरी नजर पता है कहाँ पे गई है, ये देखो आप नीचे, ये देखो
जेसीबी खींच रहा उसको, अंदर चला गया अंदर ट्रक। एक बार नीचे जाके दिखाता हूँ आपको मैं, ऊपर से तो आप लोगों को दिखेगा नहीं ना, एक बार मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। कंटेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और काफ़ी बंदे बोलते हैं मेरे को भाई आप ना कंटेंट करते रहते हो, उस चीज़ के लिए सॉरी यार। एक्चुअली ना आदत हो जाती है कई चीज़ों की, बट जब आप लोग कमेंट्स में बताते हो ना मेरे को, तब मैं सीखता हूँ कि यार ये चीज़ मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही सजेशंस दिया कीजिए आप लोग कमेंट्स में, तभी मेरे को पता चलेगा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। यार ये दिख रहा है आप लोगों को, जेसीबी आगे से खींच रहा है ना, ट्रक पूरा अंदर जा चुका है, और ऊपर से ना ट्रक पूरा लोडेड है, बजरी है इसके अंदर, और यहाँ से पीछे से घुस चुका है पूरा। फ्रंट से तो ठीक है ना, पीछे से पूरा अंदर गया है। यार जेसीबी ने आगे से लगा दिया है टोचन, पहले शायद से ये लोग ये वाला स्ट्रैप यूज़ कर रहे थे, बट इससे कहाँ खींच पाएंगे यार। और ऊपर से पता है कि अगर खाली ट्रक होता ना फिर भी खींच लेता, पूरा लोडेड है पीछे से, और लोड की वजह से शायद से अंदर घुस गया है। ये निकल गया। ये ना एक्चुअली इस वाले पोर्शन में डूबा हुआ था थोड़ा सा। यार मैं ना आप लोगों को सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए नीचे आया हुआ था। ट्रक ना लोडेड था, लोड होने की वजह से वो एक पोर्शन में, बस एक पोर्शन गहरा था ना, वो वहां से अंदर घुस गया था, बाकी तो इजीली निकल गया। ट्रक ने अपनी पावर भी यूज की है और जेसीबी ने भी उसको खींचा हुआ है। अगर सिर्फ जेसीबी खींचता ना उससे कुछ नहीं होना था, ट्रक की पावर भी लगी, दोनों की इक्वल पावर लगी हुई है, तभी निकला है वो। और बर्फ हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, मुंह में आ रही है मेरे। स्नोफॉल तो दिखाई हुई है आज 100% दिखाई है, देखते हैं रात को पड़ती है कि नहीं पड़ती है। बर्फ पड़नी ना स्टार्ट हो गई है, पता नहीं वीडियो में आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना, हल्की हल्की आ रही है, और ऊपर देखो पूरा व्हाइट हो गया है। यार अभी ना हम लोग पहुंच चुके हैं वशिष्ठ, और बर्फ यहाँ पे भी तेज हो गई, उस टाइम तो कम लगी हुई थी। यार अभी घर की ओर जा रहे हैं ना, और ठंडा काफी ज्यादा हो गया, बर्फ भी पड़ रही है। और एक चीज दिखाऊं आप लोगों को मैं। हाँ जी, क्या घर नहीं आना होता आपने? ये अंकल के पास ही बैठा होता दुकान में, आप बहुत कुछ खाने को देते इसको। चलो बॉस को घर, ये इसका अड्डा है पता है, एक ये और एक नीचे। चलो घर, चलो चलो चलो। यार मैं तो गाड़ी चला नहीं सकता हूँ ना, गाड़ी मेरी यहाँ लगी थी, अभी नीचे पार्क करेंगे इसको, जीजू करेंगे नीचे पार्क। स्टीयरिंग हार्ड हो गया इसका थोड़ा, देखना वहाँ, देखो पट्टे का भी काम कराने को है। यार मैंने दो तीन दिन से लेके गाड़ी नहीं चलाई ना, बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं सदियाँ हो गई गाड़ी चलाए हुए। यार जीजू पता है 10 मिनट के बाद आए ऊपर से गाड़ी मोड़ के। बहुत मुश्किल हो रही है उनको गाड़ी चलाने। काट दो पूरी, काट दो। चलो 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 चलो। बुरा, आज के बाद नहीं चलाओगे जिप्सी? नहीं, स्टीयरिंग हार्ड है ना? स्टीयरिंग भी हार्ड है, बाकी आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। मैंने ना जो अपनी जिप्सी की हाइट है ना वो अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई थी, उस टाइम पे वो बोल भी रहे थे मेरे को, देखो कितनी रखनी है। मैंने कहा ज्यादातर तो गाड़ी मैंने ही चलानी है, तो जीजू की हाइट काफी ज्यादा है, 6 कितनी आपकी, 6'1" ना, 6'1" है, और मैं हूँ 5'10", तो फर्क तो है यार, क्योंकि टांग भी ना स्टीयरिंग में बज रही थी, ऊपर से स्टीयरिंग बॉक्स भी मेरा गया हुआ है, स्टीयरिंग हार्ड है। घर में पहुंच गया हूं ना मम्मी, तब से लेके ट्राई करिए तंदूर चलाने की, क्या जल नहीं रहा है ना, जल गया, तब से ट्राई करी चलाने की ना, और मैं बैठ गया था हीटर ऑन करके, हीटर के पास। पिछले कल तो हम लोगों ने ना पुष्पा मूवी देखी हुई थी, आज देखते हैं हम कौन सी देखेंगे। अभी मम्मी बना रही एक स्पेशल चीज मेरे लिए खाने को, वो क्या है मैं आपको ना थोड़ी देर में बताता हूँ, जो बनेगी ना, नाम उसका थोड़ा अलग सा है, जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो जो मनाली के लोकल्स हैं उनको तो समझ आ जाएगा। आज बन रही है बाड़ी, बाड़ी क्या होती है वो अभी बताता हूँ आप लोगों को मैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया आज स्पेशल कुछ बन रहा है बाड़ी ना, मम्मी बताएगी आपको कि मम्मी ये क्या बना रही है, क्या बना रहे मम्मी यहाँ पे? बाड़ी बोलते हैं। बनाते कैसे इसको? आटे के पानी को उबाल के उस पे आटा डाल के नमक डाल के फिर खूब घुमा घुमा के इसको बनाना होता है, पकाना होता है, इससे इतनी बहुत अच्छी होती है। और उसको खाते घी के साथ है ना, और अब इसके पेड़े जैसे बनाएंगे उसमें थोड़ा डाल के फिर घी के साथ या चीनी के साथ, बहुत इससे के लिए बहुत होती है। जैसे प्रेगनेंट औरत होती है ना, जब बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ ये जरूर देते हैं 1 महीने तक। तो एक बार ये बना देंगे ना, उसके बाद जब मैं खाने लगूंगा फिर दिखाता हूँ आपको मैं कैसे खाते हैं इसको। ये होती है बाड़ी ना, कुछ इस तरह से बनती है। इसके बाद क्या करना होता है, घी को लेके ऐसे डालना पड़ता है, घी को अंदर, इसके अंदर डाल दिया घी जितना आपको चाहिए,
ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, साइड साइड से इसको तोड़ के ना चीनी डालनी, उसके बाद घी में ऐसे डिप करना और खाना है, और डायरेक्टली मुंह में डालना और खाना है। अभी तक मैं पता है इतनी देर से लाइव चला हुआ था और मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे को आज का व्लॉग भी एंड करना है। मैं लाइव में खो गया था और सोचा हुआ था मैंने कि 10 से 15 मिनट का मैं लाइव करूंगा, लेकिन आई थिंक 46 मिनट का लाइव हो गया। आप लोगों के साथ बातें करते करते ना मेरे को पता ही नहीं चला, और जैसे ही मैं नीचे आया हूँ ना मेरे को बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया है, और ये गर्म वाला ये जो होता है ना ब्लैंकेट छोटा वाला ये रखा हुआ है मैंने बैक में, सेक ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड, और मिलता हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, अगर मजा आया तो कमेंट्स में जाके अपने सजेशन दीजिए, वीडियो को शेयर करो, लाइक करना, और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up on breath.